येस वी आर लाइव नाव हेलो फ्रेंड्स दिस इज ए मैंशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न तो डिस्कस करेंगे पेडोकोजी प्रैक्टिस सीरीज नाइनटीन सेशन है जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं डी टी एस बी के वी एस टी टी यू पी टेट कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे फटाफट से और ये जो पी डी एफ है ये वाली और लास्ट वाली एक साथ ही मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आता है या किसी भी फॉर्म में हेल्प कर पाता है तो कुछ चीज़ें आपकी रिवाइज होंगी बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को भी मिलेंगी ये टेलीग्राम चैनल है लेट्स लाइन को अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएगा सभी को गुड इवनिंग नमस्कार राम राम सत सत्शा कल असला वालकम यू फील कनेक्टेड विद स्टार्ट करेंगे थोड़ा लेट तो हो ही गया है और पहला क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है पढ़िए इसको और जवाब दीजिए हाँ आ जाओ एक बार सारे पर बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया रीट के लिए मैराथन लाओ चलो सोचते हैं इस बारे में थोड़ा सा समय भी दीजिए हम्म ग्रेट चलो फिर आ जाओ फटाफट फ़ड़ से पहला क्वेश्चन पढ़ा किसी ने देखो एक बार समझते हैं अगर मैं बात करूं रीड द स्टेटमेंट्स वन एंड टू गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं है ना बिल्कुल आराम से चलेंगे कोई जल्दीबाजी नहीं एक दो स्टेटमेंट गिवन है एक है स्टेटमेंट वन दूसरा है स्टेटमेंट टू और ऐसे क्वेश्चन बहुत आने लग गए हैं आजकल क्योंकि जब सिलेबस नहीं बदला जा सकता टॉपिक्स नहीं बदले जा सकते तो क्या होता है इस तरह के मुश्किल क्वेश्चन बना दिए जाते हैं वैसे ये बहुत मुश्किल नहीं है बट स्टेटमेंट दे करके कई बार तो पहला सही है दोनों सही है एक सही है इस तरह के ऑप्शन दिखते हैं तो पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है या स्टेटमेंट है वो है इन द मेथड ऑफ एनालिसिस We go from the unknown to the known. मैं बहुत बार आपके साथ चाहे वो ब्लूम स्ट हो या नॉर्मल केस हो डिस्कस कर चुकी हूं कि एनालिसिस मैथड में करते क्या है देखो तो एनालिसिस की अगर हम बात करें तो एनालिसिस में होता है टुकड़ों में तोड़ करके समस्या को देखना मान लीजिए आप फेल क्यों हुए फॉर एग्जाम्पल सी टेट में कोई फेल हुआ या किसी टेस्ट में कोई फेल हुआ आपको ये देखना है कि आखिर मैं फेल हुआ तो क्यों हुआ उसके सही कारण पता करने हैं दैट मीन्स आप एनालाइज करेंगे उस एक बड़ी समस्या को टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजन था या क्या क्या रीजन थे दैट मीनस एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि हम अनोन से नोन की तरफ जाते हैं मतलब जो रीजन हमें नहीं पता थे वो अब हमें हिस्सों में तोड़ करके समस्या को पता लग जाएंगे बिल्कुल क्लियर दूसरी बात है स्टेटमेंट टू इन द सिंथेसिस मेथड। एनालिसिस मतलब विश्लेषण तोड़ करके देखना आप देखते होंगे न्यूज के भी कई सारे शो चलते हैं ना विश्लेषण जिनमें न्यूज एनालिसिस और ये और वो मतलब खोल खोल करके देख रहे हैं आप चीजों को पार्ट्स में डिवाइड करके देख रहे हैं कि आखिर चीजें हैं क्या अनोन टू नोन जैसे बोल देते हैं मान लो दो के नोट में चिप आई थी तो क्या 2000 के नोट में है चिप अब इस चीज को एनालाइज करेंगे वो एक घंटे तक मतलब अननोन मुद्दा के है कि नहीं है नहीं पता अब उसको एनालाइज करेंगे आप अननोन से नोन जाना लास्ट में एक कॉन्क्लूजन दे देंगे कि दैट मींस ये एक अफवाह है ठीक अगर हम बात करें सिंथेसिस की सिंथेसिस है जब आप कुछ नया क्रिएट करते हैं सब कुछ जोड़ करके जो आपको आता है जो आपने सीखा है उससे एक थियोरी क्रिएट करते हैं है ना उससे कुछ अननोन क्रिएट करते हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था तो नोन टू अननोन जाना मतलब दोनों स्टेटमेंट सुनने में समझने में पढ़ने में एकदम ठीक लग रहे हैं ठीक है राहुल राहुल गौतम मैं बिल्कुल ठीक हूं तो पहला ऑप्शन है द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू पोल का ऑप्शन रखेंगे टेंशन मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू यानी पहला कथन सही है हाँ बिल्कुल सही है लेकिन बाकी के तीन ऑप्शन भी तो हैं बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू हाँ दोनों भी सही हैं क्योंकि दोनों में से कुछ भी गलत नहीं मिला हमें बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग कैसे पॉसिबल है फिर है द सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू भाई दोनों ही सही है अगर देखा जाए तो अपनी अपनी बात सही तरीके से कह रहे हैं दोनों कथन सत्य हैं दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द राइट वन ओवर हेयर ठीक है जी क्लियर है हमें इतनी बात कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में ठीक आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर टू पर सेकेंड क्वेश्चन कहता है वॉट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी हम्म पढ़िए एक बार सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी आ टीचर शुड प्रमोट टू टीच एनवायरमेंटल साइंस यानी पर्यावरण विज्ञान को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को कौन सी सर्वोत्तम रणनीति का उपयोग करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए यानी सबसे बेहतर मेथड इन चार ऑप्शंस में से एनवायरमेंट पढ़ाने के लिए पर्यावरण विज्ञान पढ़ाने के लिए होगा बताइए पहला है रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्शन कपलिंग एक्सचेंज टेक्निक इन्होंने अलग ही टेक्निक दे दी हाई लेवल थिंकिंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अब ऑब्वियसली आपने ये दोनों हटा दिए होंगे भाई हमें नहीं पता हम जहां बच्चा हमें एक्टिव दिखेगा ऐसा नहीं हमें नहीं पता हम डिस्कस कर सकते हैं वहां हम बात करेंगे क्योंकि एनवायरमेंट में थिंकिंग से ज्यादा जरूरी क्या है एक्सप्लोरेशन जरूरी है जब हम ईवीएस भी पढ़ते हैं तब भी हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सप्लोरेशन जरूरी है एक्सप्लोर करना बच्चे का एक्टिविटी करना जरूरी है एक्टिविटी और इंक्वायरी एक्टिविटी से ज्यादा बेटर है इंक्वायरी क्योंकि इंक्वायरी में ऑलरेडी एक्टिविटी हो जाएगी जब बच्चा पूछताछ आधारित दृष्टिकोण अपनाएगा तो वो एक्टिविटी भी करेगा ऑब्वियसली वो एक्टिव होगा जब वो इंक्वायरी करेगा चार लोगों से कुछ पूछेगा कोई प्लान है कोई एक प्रोजेक्ट है उस पर काम करेगा मतलब बच्चा ज्यादा एक्टिव है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से भी यहां इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में ठीक है इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच में तो पहला ऑप्शन ज्यादा बेटर हुआ कोई दिक्कत इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी भूपेंद्र कह रहे हैं मैम ग्रेजुएशन डिस्टेंस मोड से है सिलेक्शन के टाइम कोई दिक्कत तो नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं होगी लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन से क्या दिक्कत है वो उसकी मान्यता तो बराबर की है ना ठीक है जी आगे बढ़े नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री डेवलपिंग एन अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन वेल बीइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोशल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट बाय एक्सप्लोरिंग द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशियो नेचुरल एनवायरनमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स यानी कि अगर हम बात करें यहाँ सामाजिक प्राकृतिक पर्यावरण के महत्वपूर्ण पहलुओं की खोज करके सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में मानव कल्याण के बारे में जागरूकता का विकास करना और इसके विभिन्न पहलुओं को समझना छात्रों के कौन से शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से है जब आप हर एक कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं तो क्या करते हैं उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जब आप अपना टीचिंग प्लान बनाते हैं लेसन प्लान बनाते हैं अगर मैं कहूं तो एक्टिविटी जरूरी है खुशबू आप समझ नहीं पाए बात को एक्टिविटी भी जरूरी है समझे नहीं आप इंक्वायरी में एक्टिविटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एक्टिविटी है क्या कोई भी गतिविधि करना और जब आप इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कर रहे हो दैट मीनस उसमें आप इंक्वायर करोगे जानोगे चीजों को एक्टिविटी करे बिना इंक्वायरी कैसे हो सकती है तो क्वेश्चन को डीप में समझना जरूरी है बात ये नहीं है चारों ऑप्शन सही होंगे फिर कैसे करोगे आप समझ पा रहे हो ना राहुल सैदपुर ठीक है जी डेवलपिंग एंड अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन वेलबींग ह्यूमन वेलबींग के बारे में सोशल एंड नेचुरल एनवायरमेंट के बारे में एक्सप्लोर करना सोशियो नेचुरल एनवायरमेंट के बारे में समझना वेरियस आस्पेक्ट्स को किसके अंडर आएगा तो इसमें कई लोग कई कई आंसर दे रहे होंगे एनवायरमेंटल इंपैक्ट स्टडी तो हमने कुछ नहीं सुना ना एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा हम मेनली दो चीजों को समझते हैं या तो एनवायरमेंटल स्टडीज या फिर एनवायरमेंटल एजुकेशन जो आपका थर्ड टू फिफ्थ में जो पढ़ाया जाता है नॉर्मली स्कूल लेवल पे वो एनवायरमेंटल स्टडीज है ईवीएस जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन का मतलब होता है कि आप रिसर्च कर रहे हो या सर्च कर रहे हो कुछ जान रहे हो एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करना इज एनवायरमेंट एजुकेशन एनवायरमेंट के बारे में कितना पता है लेकिन जो डिसिप्लिन डिसिप्लिन का मतलब जो एक सब्जेक्ट स्कूल्स में पढ़ाया जाता है जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है एनवायरमेंट भी है साइंस भी है सोशल साइंस का हिस्सा भी इंक्लूडेड है वो एनवायरमेंटल स्टडीज का पार्ट होता है तो जब भी स्कूल के कॉन्टेक्स में बात होती है सब्जेक्ट के कंसर्न में बात होती है तो हम पर्यावरण अध्ययन के साथ जाते हैं ना कि पर्यावरण शिक्षा के साथ तो इस चीज को जरूर दिमाग में रखिएगा एनवायरमेंटल एजुकेशन का मतलब है आप एनवायरमेंट के बारे में कुछ स्टडी कर रहे हैं तो वो एनवायरमेंट के बारे में आपको कुछ पता है तो वो एनवायरमेंटल एजुकेशन हो गई लेकिन जब वो स्कूल के कॉन्टेक्ट में सब्जेक्ट्स के बारे में बात होगी तो आंसर होगा एनवायरमेंटल स्टडीज क्योंकि ये एक अप्रोच है ये बेसिकली एक डिसिप्लिन है एक सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल आस्पेक्ट चाहे वो ईवीएस हो चाहे वो साइंस हो चाहे वो सोशल साइंस हो ये सब इंक्लूड होते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखिए वॉट आर द मेजर बैरियर्स टू इंप्लीमेंटिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी इन इंप्लीमेंटिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी पर्यावरणीय शिक्षा को लागू करने में प्रमुख बाधाएं हैं तो आखिर क्या हैं बताइए हमें ईवीएस एजुकेशन को प्रॉपर इंप्लीमेंट करना है ईवीएस एज अ सब्जेक्ट स्कूल में तो प्रॉब्लम है क्या विकास यादव देखिए एक बार आंसर कीजिए लैक ऑफ क्वालिफाइड ट्रेन एनवायरमेंटल टीचर्स यानी एनवायरमेंट की जो शिक्षा है वो क्वालिफाइड टीचर्स अवेलेबल नहीं है रिग्रेस एक्सपर्टीज नहीं है अपने सब्जेक्ट पे या फिर शॉर्टेज है किसकी टीचर्स की या इंटर डिसिप्लिनरी नेचर है बताइए सीटेट की क्लास शुरू हो जाएगी जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा इतने बहुत कुछ पड़ा हुआ है चैनल पे वो पुराने वीडियोस देखिए या कभी कभी मैं कोई कोई क्लास लेती रहूंगी सीटेट को लेके भी ठीक है देखो एक बार ए ऑप्शन

अगर आप स्कूल लेवल पे बात करेंगे तो आपका ईवीएस तो यानी तो शामिल है ही उसके साथ क्या क्या शामिल है उसके साथ सोशल साइंस साइंस भी भी शामिल शामिल है है उसके साथ सोशल स्टडीज और साइंस मतलब तीन सब्जेक्ट का एम एल है ये या मैं कहूं एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इसी को कहते हैं कि ये तीनों सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं तो ईवीएस सिर्फ ईवीएस नहीं है उसका इंटर डिसिप्लिनरी नेचर है उसका बाकी सब्जेक्ट से जुड़ा होना है ये बात भी सही है एक चीज यहां गड़बड़ है शॉर्टेज ऑफ टीचर्स जो है शॉर्टेज ऑफ टीचर्स यहां पे दिक्कत नहीं है क्योंकि टीचर्स की कमी है ऐसा हमने आज तक कहीं नहीं पढ़ा होगा ओवरऑल स्कूल के बारे में पूछता तो कह देते लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए टीचर्स की कमी है तो इतनी पॉपुलेशन है इंडिया में कर लीजिए हायर टल टीचर ये क्वालिफाइड ट्रेंड टीचर्स की प्रॉब्लम है शॉर्टेज की जगह पर एक्सपर्टीज की कमी है इंटर आप में चैलेंजिंग बना देता है ईवीएस हर कोई नहीं पढ़ा सकता क्योंकि बाकी सब्जेक्ट से कनेक्ट करके समझाना होगा ठीक है जी तो आंसर क्या होगा ए बी और डी सी में गड़बड़ है जिनको क्लियर नहीं दिख रहा एक क्वालिटी का ऑप्शन होता है आपके फोन में ही सेटिंग्स में वहीं पे जहां ये वीडियो चल रहा होगा टेन एट्टी भी कर लीजिएगा तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा ठीक या उसको ऑटो कर दीजिए तब भी ठीक हो जाएगा भाई विशेषज्ञता की कमी है अंतर अनुशासक जो प्रकृति है ईवीएस की उसको समझने में कमी है टीचर्स की क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए एक बार हाउ कैन वी टीच आर्ट इन द क्लास रूम्स आर्ट को हमें कैसे पढ़ाना चाहिए या कैसे हम पढ़ा सकते हैं हम कक्षा में कला शिक्षण को कैसे महत्व दे सकते हैं बताइए फटाफट से बताइए प्रोवाइडिंग वेरियस एक्टिविटीज एंड गेम्स दैट आर रिलेटेड टू दैम एंड देर रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऐसी गतिविधियां आप उनको करवाइए जो उनके रियल लाइफ से रिलेटेड हो ऐसे खेल ऐसी एक्टिविटीज जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हो हाँ एनसीएफ भी यही कहता है और आर्ट एजुकेशन तो स्पेशली इस चीज को प्रमोट करेगी ठीक है जी फिर नेक्स्ट क्या है आपका प्रोवाइडिंग आर्ट फॉर्म्स दैट दे कैन इमिटेट देखो नकल करना कभी भी पर्पज नहीं है कि आर्ट फॉर्म जिनको वो इमिटेट कर सके एक्सप्रेस करना होता है इमिटेट नहीं करना होता ठीक फिर है टू गिव ऑफ डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स देने से बेहतर ये नहीं है कि जब आपने उसकी लाइफ से कनेक्ट कर दिया बच्चा ज्यादा एक्टिव कहां है ए ऑप्शन में ज्यादा एक्टिव है बच्चा जहां ज्यादा एक्टिव है वहां ज्यादा बेहतर है शोइंग विडियोज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स परफॉर्म करते हुए दिखाने से बेहतर है कि आप परफॉर्मिंग आर्ट में इन्वॉल्व कराओ बच्चे को ताकि वो खुद इन्वॉल्व हो सके चारों ऑप्शन में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा एक्टिव या बच्चे की भलाई की बात ए ऑप्शन में हुई है ठीक जो कि आप देख पा रहे होंगे प्रोवाइडिंग वेरियस एक्टिविटीज यानी कई सारी आप एक्टिविटीज प्रोवाइड करें गेम्स प्रोवाइड करें जो बच्चे के रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़ सके उसके वास्तविक जीवन से जुड़ सके जुड़ सके ठीक प्रियंका क्या पूछ रहे हो भाई लास्ट में पूछना क्वेश्चन एक दो मिनट रुकूंगी मैं क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है हु गेव द फॉलोइंग रिकमेंडेशन किसने ये रिकमेंडेशन दी है पढ़िए एक बार रिकमेंडेशन को पढ़िए प्राथमिक से माध्यमिक चरणों तक स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य विषय होना, होना चाहिए या कंपलसरी होना चाहिए दैट प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी लेवल तक कौन फिजिकल एजुकेशन बहुत बड़े आनंद पांडे आप आठ महीने बाद जुड़े हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी आप देखते हैं इलेवन ट्वेल्थ तक भी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है कौन कहेगा ये बात एनसीएफ 2005 में ये बात क्लियरली दर्शाई गई है अगर आपने कभी भी एनसीएफ को पढ़ा है तो ठीक है जी आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर सेवन पे चलेंगे देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सेवन से वॉट आर चिल्ड्रन हु आर रेयरली सिलेक्टेड एज पॉजिटिव और नेगेटिव इन द पियर एक्सेप्टेंस यानी उनको समकक्ष स्वीकृति पहलू में जिन बच्चों को कभी ही सकारात्मक या नकारात्मक रूप में चुना जाता है उन्हें क्या कहते हैं मतलब इनको आ, कोई बहुत ज्यादा महत्व ही नहीं देता भाव ही नहीं मिलता ये बच्चे वो हैं जिनको चाहे तो पॉजिटिव चाहे तो नेगेटिव बहुत कम ही कभी कभार अटेंशन मिलती है तो ऐसा बच्चा नेग्लेक्टेड कहलाएगा कॉन्ट्रोवर्शियल कहलाएगा पॉपुलर बच्चा कहलाएगा या रिजेक्टेड कहलाएगा पॉपुलर वो है हमने डिस्कस किया हुआ है इस तरह के क्वेश्चन पे जोर है आजकल पॉपुलर बच्चा वो है जो अपने पीयर्स के बीच में काफी एक तरह से फेम पा रहा हो या फिर बच्चे उसके साथ रहना पसंद करते हो या जानते हो वो पॉपुलर की तो बात नहीं हो रही यहां तो हो रहा है बच्चे को कभी कभार मुश्किल से मौका मिलता है कोई उसको अटेंशन देता भी नहीं है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो कभी कभार ही दी जाती है ऐसा नहीं है कि नहीं दी जाती बट कभी कभार दी जाती है कॉन्ट्रोवर्शियल तो वो हो होगा जिसपे कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो किसी ने कुछ कर दिया हो तब तो बात होगी भाई या तो ए ऑप्शन सही है या फिर डी ऑप्शन सही है नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन यानी उपेक्षित बच्चे या फिर रिजेक्टेड चिल्ड्रन रिजेक्टेड होते हैं जिनको बिल्कुल पीयर ग्रुप रिजेक्ट कर देता है कि इनको तो हम बिल्कुल इंक्लूड ही नहीं करेंगे हम तो इनको अपना मानते ही नहीं है ये ना हमारे दोस्त हैं ये तो बिल्कुल ही महत्वहीन है इनको हम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे इनको कभी इंपॉर्टेंस मिलती नहीं है रिजेक्टेड का मतलब है सिरे से नकार दिया यहां पे बात हो रही है रेयरली कभी कभार ही नेगेटिव या फिर पॉजिटिव दोनों में से कुछ मिलता है दैट मीन्स नेग्लेक्टेड है बच्चा उपेक्षित है नेग्लेक्ट करना एक तरह से ये कह सकते हैं कि उस, उसको अवॉइड किया गया है इग्नोर किया गया है है ना आसपास के शब्द है एग्जैक्ट मीनिंग अलग अलग होता है ठीक तो नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन कहलाते हैं ऐसे बच्चे जिनको बहुत कम अटेंशन मिल पाती है या पॉजिटिव और नेगेटिव इनको कम ही एक्सेप्टेंस है और कम ही अटेंशन है जिनको बिल्कुल सिरे से नकार दिया जाएगा उनको रिजेक्टेड बच्चे कहेंगे जिनका पियर ग्रुप उनको बिठाना ही नहीं चाहता विपुल एकता क्लियर है बात आगे बढ़े लेट्स लर्न इज अ गुड हाँ बिल्कुल आप लोगों की वजह से होती है चीजें आप लोगों ने मेरी भी फिर कोशिश रहती है क्वेश्चन नंबर एट देखिए ढेर प्यार है आप लोग का शुड टीचर्स टेक इन टू अकाउंट इशूज ऑफ पॉपुलेशन यानी जो पॉपुलेशन यानी जो हमारी जनसंख्या है क्या पढ़ाते हुए शिक्षकों को जनसंख्या कानून संसाधन खाद्य और पोषण संरक्षण प्रदूषण संबंधी चिंताओं के मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए ये बताइए हाँ प्रवीण कुमार बिल्कुल क्वेश्चंस अच्छे हैं ध्यान दीजिए पॉपुलेशन के इश्यूज यानी जनसंख्या का मुद्दा कानून लेजिस्लेशन रिसोर्सेज यानी संसाधन फूड यानी खाद्य न्यूट्रिशन कंजर्वेशन पॉल्यूशन ये सारे कंसर्न्स को टीचिंग में अगर हम ध्यान में रखते हैं तो वो क्या किसके अंदर आएगा ईवीएस में सोशल स्टडीज में इको में या फिर पारिस्थितिकी में बताइए ईवीएस में आएगा भाई एनवायरमेंट के कंसर्न है ना ये चाहे वो लॉज हो वो भी एनवायरमेंट का है ना क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ईवीएस में तीन चीजें हैं एक तो एनवायरमेंट खुद है ही एक तो एनवायरमेंट खुद है ही दूसरा क्या है साइंस का भी कुछ हिस्सा है जब आप छोटी क्लासेस की बुक्स उठाएंगे तो वहां अलग अलग सब्जेक्ट ना होकर के ये इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है और एस जिसको हम कह रहे हैं सोशल स्टडीज वो भी इसी में है तो ईवीएस में ये चीजें डिस्कस की जाएंगी आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए एक बार वॉट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एनवायरमेंट ये एनवायरमेंट का कहीं ना कहीं मैंने जब ईवीएस के आपको कुछ टॉप फिफ्टी क्वेश्चन एक बार डिस्कस किए थे एनवायरमेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होना चाहिए इसका इटेमोलॉजी क्या है शाब्दिक अर्थ क्या है तो एनवायरमेंट का मतलब होता है जो हमें चारों तरफ से घेरे रखे अगर आपने ईवीएस में कभी भी पढ़ा होगा यूपी या किसी भी एग्जाम की तैयारी की होगी आजकल मिक्सड क्वेश्चन आने लग गए हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेडोगॉजी आएगा ठीक है पहला है फोना अराउंडिंग अराउंड और सराउंडिंग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स या फिर एटमोस्फेरिक कंडीशंस बताइए अराउंड और सराउंडिंग वो चीज जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए पर्यावरण कहलाती है जो हमें चारों तरफ से घेर के रखती है तो चारों और आसपास जो हमारी सराउंडिंग है उसको हम एनवायरमेंट कह रहे हैं ठीक तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है आज के लिए लास्ट क्वेश्चन आज हम कमी क्वेश्चन करने वाले हैं नंबर देखिए डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स इन स्कूल मैनेजमेंट प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड इन द फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट जब ये एक्सेप्ट लिख जाए नॉट लिख जाए लीस्ट लिख जाए तो आपको डबल ध्यान दे करके आंसर को मार्क करना है ठीक इसका मतलब क्या हुआ थैंक यू शिवी स्कूल प्रबंधन प्रक्रिया में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की प्रत्यक्ष भागीदारी निम्नलिखित तरीकों से अपेक्षित है के सिवाय यानी हम टीचर्स के इन्वॉल्वमेंट को स्कूल के मैनेजमेंट में एक्सेप्टेड मानेंगे किसी एक रोल को छोड़ करके टीचर का कौन सा एक रोल नहीं है स्कूल मैनेजमेंट में ये पूछा है एडमिशन एंड एनरोलमेंट क्या टीचर्स इन्वॉल्व नहीं होते बिल्कुल होते हैं हेड बने हुए होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट मतलब इंचार्ज होते हैं सब्जेक्ट के जो कोई एडमिशन करने में भी इन्वॉल्व होगा बिल्कुल होते हैं क्यों नहीं होते कोर्स मैनेजमेंट हाँ बिल्कुल क्या पढ़ाया जाएगा कैसे पढ़ाया जाएगा कम्युनिकेशन एंड कोलेबोरेशन हाँ ये भी बिल्कुल लेकिन पॉलिसी बनाना टीचर का काम नहीं है पॉलिसी बनाई जाती है चाहे वो एनसीईआरटी टी है या वो फिर और ऐसी संस्थाएं हैं जो पॉलिसीज का निर्माण करती हैं ठीक है स्कूल मैनेजमेंट की बात हो रही है वैसे नहीं देश भर में जब पॉलिसी बनती है तो ऑब्वियसली कुछ टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं ऐसा नहीं है नहीं होते लेकिन यहां बात हो रही है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स इन स्कूल मैनेजमेंट प्रोसेस तो स्कूल मैनेजमेंट की जब बात हो रही है तो वहां पॉलिसी नहीं बनानी स्कूल को मैनेज करना है चाहे वो एडमिशन प्रोसेस हो चाहे फिर वो हमारी कोर्स मैनेजमेंट की प्रोसेस हो चाहे वो कम्युनिकेशन एंड कोलैब्रेशन हो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन जैसे पूछा गया हम वैसे जवाब देंगे सेम बात अगर अलग तरीके से कही होती तो इसका आंसर ए नहीं होता ठीक है भागीरथ तो आउट ऑफ टेन कितने ठीक हुए आज ये बहुत ही छोटा सा सेशन था कोई बात नहीं इसकी कमी हम पूरी कर लेंगे किसी भी दिन आउट ऑफ टेन कितने ठीक हुए ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा क्वेश्चन ठीक ठाक चल रहे हैं आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा समझ में भी आ रही होंगी चीज़ें हाँ एट आउट ऑफ टेन किसी को फोर्थ क्वेश्चन में डाउट है अभी पढ़ लेंगे एक बार समझ लेंगे क्या पूछा है एट आउट ऑफ टेन नाइन आउट ऑफ टेन सिक्स आउट ऑफ टेन ओके फाइन नाइन एट ठीक है ग्रेट लाइक शेयर तो कर दिया करो यार जब देखने आते हो अभी ढाई हजार लोग तो एटलीस्ट देख ही रहे हैं अट्ठारह सौ लोगों ने लाइक like किया सिर्फ सिर्फ फोर्थ क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है एक बार वो देख लेते हैं व्हाट आर दी मेजर बैरियर्स टू इंप्लीमेंटिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी पर्यावरणीय शिक्षा को हम प्रॉपर लागू क्यों नहीं कर पाते इसके पीछे बैरियर कौन से हो सकते हैं मेजर बैरियर्स यानी सबसे बड़े बैरियर तो सबसे बड़ा बैरियर है एक्सपर्टीज की कमी है इस क्षेत्र में जो भी टीचर्स हैं या जो भी लोग इन्वॉल्वड हैं क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर्स की कमी ये तो हर सब्जेक्ट में लागू होती है ये बात शॉर्टेज ऑफ टीचर्स ये कहना गलत होगा ये मेजर बैरियर नहीं है शॉर्टेज कह ही नहीं सकते ना हम टीचर्स तो होंगे उस सब्जेक्ट के है ना इंटर डिसिप्लिनरी नेचर है इस सब्जेक्ट का नेचर कॉम्प्लेक्स है हाँ ये तो एक बहुत बड़ी बात है तो इसलिए ए बी और डी सी गलत हो जाएगा इसलिए आंसर डी ऑप्शन था इसमें नहीं सी ऑप्शन था इसमें ए सी डी था ना आंसर ए सी डी बी ऑप्शन की जगह पे सी ठीक है इस बात को समझने में कोई दिक्कत परेशानी कोई दुख दर्द बाकी है तो बता दीजिए मोहित वाढेर ठीक है आज तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग नाम देखने को मिल रहे हैं चलिए फिर आज के लिए हम रखेंगे इतना ही कब मिलेंगे कल मिलेंगे और कुछ कुछ टॉपिक भी बीच बीच में करते रहेंगे टेंशन लो मत रीड की भी मैराथन अगर पॉसिबल होगी तो एग्जाम से पहले जरूर आ जाइए चलिए ध्यान रखिए अपना हाँ सी न्यू सेशन स्टार्ट होगा बीच बीच में मैं कुछ कुछ सेशंस लेती रहूंगी और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो रेगुलर सेशन स्टार्ट कर देंगे टेंशन वाली बात नहीं है हम्म चलिए बहुत बढ़िया एक मिनट में एक दो क्वेश्चंस ले लेती हूँ इस बहाने आप लोगों से बात हो जाएगी फिर हम आगे बढ़ जाएंगे हम लोग उन्नीस लाख लोग हो गए हैं जुड़ करके 20 बीस लाख यानी टू मिलियन पे कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स रहेंगे आप लोग के लिए काम चल रहा है उन पर आप समझाते बहुत अच्छा हो आपके समझाने से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं धन्यवाद ज्योति उपाध्याय यही मेरा काम है नहीं तो क्वेश्चंस तो आपको किताबें मेरी खुद की चार हजार एम वाली किताब आती है जो बुक है किरण पब्लिकेशन के अंडर आपसे पढ़ना सच में बहुत इजी लगता है हाँ वैभवी मैं कोशिश करती हूँ क्लियर करने की देखो डिसएडवाटेज स्टूडेंट सोनम वो होते हैं जो किसी भी रूप में वंचित हैं चाहे तो वो लोग जो पूरे टाइम इधर से उधर घूमते रहते हैं जिनकी फैमिलीज कोई एक ठिकाना नहीं है है ना या तो आर्थिक रूप से वंचित हैं या तो सामाजिक रूप से वंचित हैं या शारीरिक रूप से वंचित हैं डिस में सभी तरह के बच्चे जो किसी भी रूप में वंचित हैं किसी भी रूप में डिसडवांटेज हैं उनको वो नॉर्मल ट्रीटमेंट या रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाए जो बाकी लोगों के पास है या जो नॉर्मल एक क्राइटेरिया है निशु वर्मा धन्यवाद आई लव योर ऑल सेशन अच्छा धन्यवाद कब से चलता है क्लास आजकल तो टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा है बाकी कोशिश तो रहेगी नाइन फिफ्टीन लाने की पता नहीं कब से होगा अच्छा लगता है आप लोग किसी भी टाइम आ जाते हैं लेट लतीफ़ भी होता है तब भी अच्छा लगता है चलो फिर टेक केयर कल मिलते हैं